नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड से रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से रोकने की मांग पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने फेसबुक, ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनियों को 6 हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इन कंपनियों को ये भी बताने के लिए कहा है कि उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस मामले में सभी कंपनियां विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को बाल यौन शोषण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप, गैंग रेप वीडियो से संबंधित मुद्दों के संबंध में सरकार और इंटरनेट इंटरमीडियरी को स्टेटस रिपोर्ट 6 महीने के भीतर अदालत को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने ये भी निर्देश दिया है कि पार्टियों को एक साथ बैठने और ऐसी सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की जरूरत है। बता दें कि जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अपर्णा भट्ट ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया था। गौरतलब है कि बीते साल नवंबर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में सीबीआई ने देश के 14 राज्यों में 77 ठिकानों पर रेड की थी और इसमें यूपी के जालौनी, मऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहर भी शामिल थे। इस दौरान सीबीआई ने अलग अलग शहरों से 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और सीबीआई की रडार पर 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए थे और जो इस केस से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। यही कारण है कि स्कूल गर्ल्स, टीन्स और देसी गर्ल्स जैसे टॉप सर्च कीवर्ड्स हैं और इन सबसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को बढ़ावा मिल रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने एक संज्ञान लेते हुए बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कार्य किया है कि जैसे सोशल मीडिया चैनल्स पे लाइक फेसबुक है, ट्विटर है और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर पोर्नोग्राफी के फोटोग्राफ्स, वीडियोज जो लोग अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, वो एक क्राइम है। उस क्राइम को रोकने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और तमाम जो प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अपनी रिपोर्ट मांगी है कि आपने इनको रोकने के लिए क्या अभी प्रबंध किए हुए हैं और क्या इसमें आपने आगे करने हैं। उस पर विद इन द टाइम पीरियड जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फाइल किया हुआ है कि क्या प्रोविजंस हैं, क्या पैनल प्रोविजंस हैं जिसमें रोकथाम करने के लिए क्या पैनल प्रोविजंस हैं और जिसमें क्या कर रखा है और कितना अभी तक उसको कंट्रोल किया है, उस पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।